पिछले व्लॉग में म्यूजियम एक्सप्लोर करने के बाद जब नाश्ता करने के लिए नंगल के पास रुका तब मुझे नंगल से कोटा के गोदावरी धाम के बारे में पता चला, इसलिए तुरंत वहीं सामने से एक शेयर ऑटो पकड़ा और निकल गया सीआईडी की तरफ। चौंकिए मत, क्योंकि वो सीरियल वाला सीआईडी नहीं है, बल्कि कोटा में कोई जगह है जिसे यहाँ पे सीआईडी कहा जाता है। पिछली बार 2012 में मेरा कोटा आना हुआ था और तब से लेके अब के बीच जमीन आसमान का फर्क कोटा की सड़कों पे देखा जा सकता है। इनफैक्ट ऑटो में बैठे हुए किसी ने मुझे बताया कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क कोटा में बनने जा रहा है और शायद इसी साल अगस्त या सितंबर में ही इस पार्क को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। वैसे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गोदावरी धाम जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ और ये पार्क दोनों ही चंबल नदी के किनारे पे बसे हैं। खैर, जब मैं सीआईडी पहुंचा तो ये जगह कुछ ऐसी थी। इस रोड पे मुझे 10 मिनट से इंतजार करता हुआ देख के भाई ने मुझे बिना सोचे समझे मंदिर तक लिफ्ट दे दी और मैं बेवकूफ इनका नाम तक भी नहीं पूछ पाया। खैर, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और सबसे पहले इस मंदिर में घुसते ही आपको गौशाला दिखती है जहाँ पर आप अपनी इच्छा के अनुसार गायों के लिए दान कर सकते हैं। ये मंदिर चंबल नदी के पूरी तट पे स्थित है और 1043 साल पुराना ये मंदिर हनुमान जी के बालाजी रूप को समर्पित है। मंदिर के भवन में हनुमान जी की लगभग 5 फुट ऊंची एक मूर्ति है। कहा जाता है कि हनुमान जी की ये मेन प्रतिमा चंबल नदी के बीचों बीच थी, लेकिन बाद में हनुमान जी ने संत गोपीनाथ भार्गव को सपने में एक मंदिर बनाने को कहा। इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अब मंदिर के भवन में फोटोज या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए चाह के भी मैं काफी कुछ कवर नहीं कर पाया। अब देखा जाए तो एक तरह से सही भी हुआ, क्योंकि अगर सब चीजों को वीडियो में कैप्चर करने में लगा रहता तो शायद यहाँ की असीम शांति को महसूस नहीं कर पाता। आज संडे था इसलिए शायद मुझे यहाँ पे भीड़ नहीं मिली, लेकिन कहा जाता है कि ट्यूसडे और सैटरडे इस मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। यहाँ इस मंदिर में मैं करीबन 1 घंटा रुका और फिर यहाँ की एक और फेमस जगह यानी कि चंबल पार्क देखने के लिए निकल गया।